हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप कौशल और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का नया पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके साथ में ये पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई एक आर्गेंड प्लेन बन रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, जहाँ पर कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। सबसे पहले हम वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है या आर्गेंड प्लेन क्या होता है। तो यहां पर यदि हम रियल नंबर की बात करें, सबसे पहले रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो कुछ इस तरह से होता था। यहां पर जीरो, यहां पर प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, यहां माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। ये हमारी हो रही थी रियल एक्सेस, जहां पर रियल एक्सेस जीरो, वन, टू, थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, यहां पर माइनस इनफाइनाइट या यहां पर इनफाइनाइट तक। ये तो हो गया था हमारा रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन इन किसमें, नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन में हमने रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे। अब यहाँ पर जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता था वो प्लस आई बी होता था, राइट, आई बी होता था, यानी कि वहां पर आई इन्वॉल्व हो रहा था। तो यदि हम इस आई को भी यहाँ पर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर नंबर लाइन में आई भी हमारा कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर टू आई होगा, यहाँ पर थ्री आई होगा, यहाँ माइनस आई, माइनस टू आई, माइनस थ्री आई और ये हमारा माइनस इनफाइनाइट तक, इधर पे हमारा प्लस इनफाइनाइट तक। अब हमारे पास में एक ये वाली नंबर लाइन हो गई है, दूसरी ये नंबर लाइन हो गई है और हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे ए प्लस आई बी को रिप्रेजेंट करना है, ए प्लस आई बी को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम उठा करके एक किसमें, कार्टेशियन प्लेन में रखें, जहां पर ये जो नंबर लाइन है दिस इज द रियल एक्सिस, इसको हम रियल एक्सेस मान देते हैं और इसको हम बोल देते हैं इमेजिनरी एक्सेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी एक्सेस जो है इसमें सारे के सारे जो इमेजिनरी पार्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन है, रियल एक्सेस में हमारे रियल पार्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन है। और इसको यदि हम कंबाइनली बनाते हैं और एक कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं, राइट, तो ये एक कार्टेशियन प्लेन होगा जहां पर एक्स एक्सेस जो होगी वो रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है रियल एक्सेस एंड y एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है कौन सा, इमेजिनरी एक्सेस। x एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है रियल एक्सेस, y एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है इमेजिनरी एक्सेस। तो यहां पर x एक्सेस में हमारा ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये -1, -2, -3 ये ओरिजिन पॉइंट होगा। अब यहां पर जब हम इस नंबर लाइन को इमेजिनरी एक्सेस को इस तरह से यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर आएगा प्लस आई, प्लस टू आई, प्लस थ्री आई, माइनस आई, माइनस टू आई, माइनस थ्री आई, राइट। अब यदि हम देखें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है टू माइनस थ्री आई है और इसको हमें इस प्लेन में यदि रिप्रेजेंट करना है, तो इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो रियल एक्सेस है उसमें क्या है, रियल एक्सेस में रियल पार्ट है, यानी रियल पार्ट कितना आ रहा है, टू आ रहा है। और यहां पर जो y एक्सेस पर जा रहा है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, वो कहां पर जा रहा है, 2 माइनस 3i। तो 2 माइनस 3i कहीं हमें यहां पर कोई एक पॉइंट मिलेगा, ये क्या होगा, 2 माइनस 3i पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट हो गया और इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो ये जो प्लेन बन रहा है इस प्लेन को हम बोलेंगे आर्गेंड प्लेन और इसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट, इस प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन, जहां पर x एक्सिस में हमारा क्या है रियल एक्सिस एंड y एक्सिस में क्या है इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जो कि a प्लस आई बी के टर्म्स में लिखा हुआ था, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ था, वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के रिप्रेजेंट हो रहा है। यहां पर देखो 2 माइनस 3i किसी एक पॉइंट पर जाकर के रिप्रेजेंट हो रहा है। यदि यहां पर ये 2 प्लस 3i है, इसकी जगह पर यहां पर अभी कार्टेशियन प्लेन होता, कार्टेशियन प्लेन होता जहां पर ये x एक्सिस होती और ये y एक्सिस होती, तो इसके जो पॉइंट्स होती वो क्या होते, ये 2, -3 होते, कार्टेशियन प्लेन होता तो इसके पॉइंट्स क्या होते, 2, -3 होते। यहां पर हम ना a प्लस आई बी को रिप्रेजेंट यहां पर x प्लस आई वाई से कंपेयर करा देते तो a इज इक्वल टू x, यानी कि यहां पर 2 की जगह पे 2 हो जाता, प्लस आई बी यानी कि जो हमारा y होता वो क्या होता, -3 होता, राइट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट का वो क्या है, 2, -3। वही कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एज अ पॉइंट है, इस बात को नोटिस करना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो एज अ पॉइंट है। अब हम यहां से बात करें कॉन्जुगेट की बात करें
तो यहां पर हम यदि जेड को लिख रहे हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज जेड बार, कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार, राइट, इसको कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार, और जेड बार इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए माइनस आई बी, जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, जहां पर हम आई को किस तरह से माइनस आई के फॉर्मेट में लिख देते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पॉइंट था 2 माइनस 3 आई, अब इसका हमें कॉन्जुगेट देखना है, तो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है 2 प्लस 3 वाई हो रहा है, राइट, आई को अब हमने क्या लिख दिया माइनस आई लिख दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 प्लस 3 आई, तो 2 प्लस 3 आई को यदि हम कार्टेशियन प्लेन की जगह आप इसमें आर्गेंड प्लेन में यदि रिप्रेजेंट करें, तो 2 प्लस 3 आई, 2 यहां पर है, अब यहां पर ये 2 है, राइट, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, अब आई की बात करें तो 2 प्लस 3 आई, तो यहां पर जो 3 आई होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये क्या है 2 प्लस 3 आई, राइट, और इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं 2.3 लिख सकते हैं, तो यहां पर हम देखें तो जो ये कॉन्जुगेट है यानी 2 माइनस 3 आई का जो कॉन्जुगेट है दैट इज 2 प्लस 3 आई, ये किसी तरह से एक रियल मिरर इमेज बना रहा है, यहां पर जितनी डिस्टेंस इसकी यहां से लेकर यहां तक होगी वही डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक होगी, राइट, यहां पर 3 पॉइंट से जा रहे हैं, और जितनी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक होगी वही डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक होगी, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो कॉन्जुगेट नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम कॉन्जुगेट बनाते हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट को देखते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर ये आया 2 प्लस 3 आई, और उसका पॉइंट देखते हैं वो क्या आ रहा है 2.3 आ रहा है, और जो 2.3 है दैट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट, है ना, इतनी बात समझ में आती है, तो ये जो हमारी मिरर इमेज है जो कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या बनाता है मिरर इमेज बनाता है, राइट। इसके यदि हम आगे वाले पोर्शन में चलें, आगे वाले पोर्शन में, तो यहां पर यदि हमारे पास में लिखा रहता है जेड वन, जेड वन इक्वल्स टू 2+3 आई है, इसको ही देखते हैं, तो यहां पर जेड टू की बात करें, सॉरी जेड वन, तो यहां पर जेड वन बार की बात करें, राइट, तो जेड वन बार इक्वल टू हो जाएगा 2-3 आई। यहां से एक प्रॉपर्टी देखते हैं, Z1 प्लस Z2 की प्रॉपर्टी देखते हैं, Z1 प्लस Z1 बार की प्रॉपर्टी देखते हैं, यहां पर Z1 प्लस Z1 बार यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन रहा है हमें टोटली रियल पार्ट मिल रहा है। यदि हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करें, Z1 माइनस Z2 पार्ट कंप्लीटली सब्सट्रैक्ट करें तो प्लस 3i माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 3i दैट इज इक्वल टू 6i हो जाएगा, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो इमेजिनरी पार्ट दे रहा है, इसका जो यहां पर एडिशन है वो हमें रियल पार्ट दे रहा है। अब यदि हम इनको मल्टीप्लाई करें जेड वन इंटू जेड वन बार तो क्या होगा 2+3i मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2-3i, इट मीन्स 2 × 2 = 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3i² 3² i² यानी 9i² i² की वैल्यू -1 13 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर हम जेड वन अपॉन जेड टू की बात करें, सॉरी जेड वन अपॉन जेड वन बार की बात करें तो जेड वन क्या था 2+3i था, Z1 बार क्या था 2-3i, यहां पर फिर हम क्या कर रहे थे कि 2-3i यहां पर इनको रेशलाइज कर रहे थे, तो इनके कॉन्जुगेट का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई 2+3i और यहां पर भी 2+3i, तो यहां पर हम देखें तो 2+3i का होल स्क्वायर बन रहा था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 4 = 12i होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर 2 × 4 − 9 4 − − + 9। अब यहां पर हम देख रहे हैं आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है -1 तो 4 − 9 दैट इज -5 तो −5 + 12y तो −5/13 + 12/13 आई हो जाएगा। तो यहां से हमने कॉन्जुगेट नंबर निकालने के बाद में यहां पर हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कॉन्जुगेट मीन्स यहां पर कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट, दोनों का एडिशन, दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का डिवाइड। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो कि हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इसके बाद में हम मॉडुलस पर जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम देखें कोई एक नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस्यूम वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ जेड,
तो स्क्वायर रूट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी। अब यहां पर जो ए प्लस आई बी का स्क्वायर रूट है ये भी कोई एक नंबर निकल करके आएगा, यानी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में निकल के आएगा। लेट एज्यूम इसको कर लेते हैं, लेट एज्यूम दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। देखो यहां पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ रहा, ये हमने मान लिया। इसका स्क्वायर रूट हो सकता है केवल रियल पार्ट निकल के आए, इसका स्क्वायर रूट हो सकता है केवल इमेजिनरी पार्ट निकल के आए, इसका स्क्वायर रूट हो सकता है कि दोनों का समेशन निकल करके आए, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रियल पार्ट अकेला होगा तो भी हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट अकेले होगा तब भी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, और दोनों का एडिशन होगा तब भी हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब यहां पर जो x और y है वो तो रियल नंबर है और इसका हमने स्क्वायर रूट देखा कि इसका स्क्वायर रूट x प्लस आई वाई होता है। अब यहां पर हम x की और y की अलग अलग वैल्यू, सॉरी a की और b की अलग अलग वैल्यू इसको देखेंगे कि वो क्या आ रही है, राइट। तो यहां पर हम डिस्कस करें a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट। यदि हम इस इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दें बोथ साइड, इफ वी आर स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड तो क्या होगा, तो होगा ए प्लस आई बी स्क्वायर रूट का हमने स्क्वायर किया तो ए प्लस आई बी ही रहेगा। अब यहां पर आर एच एस का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टाइम्स ऑफ आई। यहां यदि हम देखें तो ए प्लस आई बी इज इक्वल टू आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टाइम्स ऑफ आई। अब यहां पर हम देखें तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट चाहिए होता है तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री प्लस फोर आई, और थ्री प्लस फोर आई का हमें स्क्वायर रूट चाहिए होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। और इसको हम समझते हैं किसी एक एग्जाम्पल को ले। तो बेटा हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसका कि हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ हमने देखा था स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी इक्वल टू हम मान ले रहे थे कि एक्स प्लस आई वाई है, जहां पर हम देख रहे थे कि ए इक्वल टू क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा था, और बी इक्वल टू आ रहा था टू एक्स वाई आ रहा था। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, लेट अज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8 प्लस 6 आई का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम इसको भी हम कंपेयर कर देंगे। लेट अज्यूम इसका स्क्वायर रूट आता है x प्लस आई वाई आता है, जहां पर कि 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 6 इक्वल टू हो जाएगा 2x टाइम्स ऑफ y, राइट। यहां यदि हम ऑब्जर्व करें तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, सेकेंड इक्वेशन से एक्स वाई इक्वल्स टू 3 हो रहा है। लेट अज्यूम दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ये माइनस 3 और माइनस 1 हो सकते हैं, माइनस 3 और माइनस 1 का यदि हम प्रोडक्ट करें तो 3 आ रहा है, या फिर ये जो नंबर हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 3 और 1 हो सकते हैं, 3 और 1 का प्रोडक्ट करें तब भी ये 3 आ रहा है। तो यहाँ तो एक्स भी 3 हो सकता है और वाई भी 3 हो सकता है। लेट अज्यूम यहाँ पर यदि वाई 3 है, यहाँ से देखें y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये तो माइनस 8 देगा, यानी कि y 3 और x इक्वल टू 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 3 और 1 को देख रहे हैं अभी, केवल 3 और 1 में हमने y को 3 माना, x को 1 माना, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा रहा। अब हमने x को 3 माना, y को 1 माना, x को 3 तो 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, वो की कितना देगा 8। तो यहाँ से एक वैल्यू तो निकल कर किया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। नेक्स्ट यदि हम देखें माइनस 3 और माइनस आई में, माइनस 3 और माइनस 1 में, अब यहां पर यदि हम x को ले रहे हैं माइनस 1 और y को ले रहे हैं माइनस 3, तो y को यदि हम माइनस 3 लेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 माइनस 9 जो कि माइनस 8 दे रहा। तो यहां पर माइनस 3 और माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा रहे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस 1 लेंगे, और x की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस 3 और y की वैल्यू 1। x वैल्यू माइनस 3, y की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 8। तो इसके जो रूट्स निकल रहे हैं,
यानी के स्क्वायर रूट्स नहीं, यहाँ पर बोलेंगे के स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6 आई निकल रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6 आई क्या निकल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6 आई निकल रहा है कितना? 3 प्लस आई और माइनस 3 माइनस आई, यानी कि इसकी दो वैल्यू इस पॉसिबल हैं, राइट। यहाँ पर आ सकता है ये 3 प्लस आई आ सकता है और माइनस 3 माइनस आई आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गई हमारे स्क्वायर रूट वाली बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मॉडुलस पर, राइट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मॉडुलस क्या होता है। तो यहां हमने देखा मॉडुलस की यदि हम बात करें तो मॉडुलस तो हमने जनरली ये पढ़ा हुआ था कि मॉड और मॉड की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। यदि हम बात करें स्क्वायर मॉड ऑफ 16, तो मॉड ऑफ 16 को यदि हम ब्रेक करें तो माइनस 16 और प्लस 16, यानी कि माइनस 16 का मॉडल है तो 16 आएगा, प्लस 16 का मॉडल है तो भी 16 आएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं माइनस ऑफ 16 और प्लस ऑफ 16 का मॉड लेंगे तो फिर क्या होगा? 16 होगा। यानी कि यहाँ पर हम नंबर लाइन पर बात करें तो यहाँ से RHS की तरफ हम यदि 16 पॉइंट्स आगे जा रहे हैं, RHS की तरह 16 पॉइंट्स आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी कवर की? 16 यूनिट कवर की। यदि हम इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी आ रहे हैं तो यहाँ माइनस 16 पॉइंट आ रहा, तो इसमें हमने डिस्टेंस कितनी कवर की? दैट इज 16। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर की? दैट इज 16। तो मॉडुलस हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स यहाँ पर किसी भी नंबर की पॉजिटिव वैल्यू, यानी डिस्टेंस हमेशा जैसे पॉजिटिव होती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव किसी केस में भी नहीं हो सकती, सिमिलर केस यहाँ पर है। यहाँ से लेकर के हम इस साइड में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव 16, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव 16 है। सिमिलरली हम यहाँ पर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमें मॉडुलस वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट अज्यूम द कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, और यदि हम इसको एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन से प्लेन में? कॉम्प्लेक्स प्लेन में, दैट इज आर्गेंट प्लेन में। आर्गेंट प्लेन में यदि हम देखें तो ए प्लस आई बी, यानी कि ए बी पॉजिटिव है, बी बी पॉजिटिव है, इटमीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो यहाँ पर भी सिमिलरली हमारे जिस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस तरह से हम इनको भी यहाँ पर पहचान सकते हैं। यहाँ पर यदि 2 प्लस 3i लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 2 माइनस 3i यानी कि सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस 4 प्लस 3i सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस 4 माइनस 4i ये थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। तो ये चीजें हमें समझ में आती है। जेड इज इक्वल टू यदि हमारे पास में 2 प्लस आई बी लिखा हुआ है, दिस इज 2 प्लस आई बी यानी ए प्लस आई बी, तो यहाँ पर ए प्लस आई बी ये क्या हो गया? ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया जेड का। यदि हम इसको पॉइंट में रिप्रेजेंट करें तो क्या हम इसको पॉइंट में ए कॉमा बी लिख सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था पहले ए कॉमा बी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे कि ये तो रियल एक्सेस हो रही थी, ये हो रही थी इमेजिनरी एक्सेस, यहां पर आई की वैल्यूज आ रही थी, यहां पर एक रियल नंबर आ रहे थे। अगर हम इसको पॉइंट्स के लिए बात करें तो ए कॉमा बी, दैट इज ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है कार्टेशियन प्लेन में, तो ए कॉमा बी यानी कि यहां से हम यहां तक जाएं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, और यहां से लेकर यहां तक जाएं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ए प्लस आई बी के टर्म्स हम यही तो लिखते थे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बी हो गई, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ए हो गई, तो फिर हम यहां से लिखते थे ए प्लस बी, ए कॉमा बी पॉइंट आता था, राइट। यही तो होता था हमारा कार्टेशियन प्लेन, बहुत सिंपल सी बात है। अब इसको हमने कार्टेशियन प्लेन की जगह पे आर्गेंट प्लेन में लिखा हुआ है तो ए प्लस आई बी लिखा हुआ है। कार्टेशियन प्लेन में ए यहाँ पर बी यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा ए कॉमा बी। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है? ए हो गई है। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है? बी हो गई है। यहां से यदि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो ये जो क्या है, ये तो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक की, ए से लेकर ओ से लेकर के ए पॉइंट तक, ओ से लेकर के पी पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस है ओपी, ओपी क्या हो जाएगा? ओपी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर यदि ए प्लस आई बी है तो ये जो मॉड ऑफ जेड होगा, मॉड ऑफ जेड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मॉडुलस
मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर एक कोई पॉइंट होगा, तो यहाँ इसमें ओरिजिन से लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक पॉइंट है वहां तक की ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मोड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो मॉडुलस है, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडुलस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, ठीक, और वो कहां से कहां तक, ये कोई एक कार्टेशियन यहाँ पर क्या जो आर्गेन प्लेन में पॉइंट होगा उस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से लेकर के, ठीक है। यहां पर यदि हम यहां पर इसके मॉडुलस की बात करें तो यहां यदि मॉडुलस ऑफ जेड, अब यहां पर जेड वन प्लस जेड टू का हमें मॉडुलस फाइंड करना है, जेड वन प्लस जेड टू, और यहां पर हमें जेड वन इंटू जेड टू का मॉडुलस फाइंड करना है। अब Z1 into Z2 यदि हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस। यहां पर यदि हमारे पास में Z1 upon Z2 है इनका मॉडुलस फाइंड करना है तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 upon मॉड ऑफ Z2। यहां पर जब Z1 plus Z2 है तो हम इसको नहीं लिख सकते Z1 का मॉड plus Z2 का मॉड, यही हम माइनस के साथ में भी नहीं कर सकते। तो यहां पर बेसिकली ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इनका बहुत ही अधिक यूज होने वाला है। यहां पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट की बात कर रहे थे तो जेड इक्वल टू आ रहा था ए प्लस आई बी और जेड बार इज इक्वल टू आ रहा था ए माइनस आई बी, राइट, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी आ रहा था, जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी आ रहा था। यदि हम अब इन दोनों को एड करें, ये तो हम पढ़ चुके थे और राइट ये पढ़ चुके थे, यदि हम इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो यहाँ पर जेड इक्वल टू आ रहा था टू ए और यहाँ पर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आ रहा था, हाँ यही चीज थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और इसके बाद में गिवन है टू ए प्लस थ्री बी आई, टू ए प्लस थ्री बी आई टाइम्स वन माइनस आई का स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है टेन टाइम्स ऑफ वन माइनस आई, टेन टाइम्स ऑफ वन माइनस आई, टेन टाइम्स ऑफ वन प्लस आई, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ टू ए माइनस थ्री बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू ए माइनस थ्री बी, राइट। तो यहाँ पर ये कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, यानी रियल नंबर है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है टू ए प्लस थ्री बी आई टाइम्स ऑफ वन माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन टाइम्स ऑफ वन प्लस आई है, ये तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, इसका स्क्वायर करना, यानी यहां तो हम देख सकते हैं 2a प्लस 3bi इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 10 प्लस 10i, राइट, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये क्या आ जाएगा 2i का मल्टीप्लाई कराएंगे हम इस पूरे टर्म में, तो 2 2 जब 4ai हो जाएगा प्लस ये 2 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो माइनस 4ai हो जाएगा और यहां पर क्या होगा माइनस 6bi स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो यहां पर एक प्लस भी हो जाएगा, राइट, तो इक्वल्स टू होगा ये 10 प्लस 10i। अब फिर से यहां पर रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंजुगेट, यहां पर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो 6b इक्वल्स टू यदि 10 होगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 10 यानी 5 / 3 b इक्वल्स टू 5 / 3। अब यहां पर a की वैल्यू क्या होगी तो माइनस फोर एज इक्वल टू 10 हो जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/2। पूछा क्या गया 2a माइनस 3b पूछा गया, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर क्या हो जाएगी माइनस 5/2 हो जाएगी, राइट। पूछा क्या गया 2a माइनस 3b तो 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस 5/2 माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 5/3, यहां से 3 से 3 कैंसिल होगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस 5 माइनस यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा माइनस पर 3 से 3 कैंसिल होगा माइनस 5 दैट विल गिव्स माइनस 10, ठीक। तो यहां पर ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम चलेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पर।